नमस्कार दोस्तों, मैं निल आपका स्वागत करता हूँ एयर म्यूजिक में। और दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फैंटम X6 जो कीबोर्ड है उसको हम एज अ मिडी कीबोर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिडी कीबोर्ड के लिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड हैं या फिर बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका खुद का स्टूडियो है या फिर होम स्टूडियो है, तो उनके पास फैंटम X6 है, फैंटम X है या फिर कोई भी कीबोर्ड दूसरा है, तो वो उसको यूज़ करते हैं। लेकिन स्टूडियो में आपको बता कि एक मिडी कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी कुछ फ्रेंड मेरे ऐसे हैं या फिर आप लोग भी जो लाइव प्ले करते हैं, तो आप चाहें तो फैंटम X6 को लाइव में एज ए मिडी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको मिडी कीबोर्ड यूज़ करेंगे कैसे, ये सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फैंटम X6 को एज ए मिडी कीबोर्ड यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी एक कंप्यूटर की। ठीक है, या तो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। अगर आपको लाइव में प्ले करना है तो लैपटॉप प्रेफर करें क्योंकि डेस्कटॉप वहाँ जा नहीं सकता है। अगर आपको घर में एज ए होम स्टूडियो यूज़ करना है तो डेस्कटॉप से आपका काम चल जाएगा। तो पहली चीज़ हुई आपकी कंप्यूटर की। दूसरा आपको चाहिए एक साउंड कार्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये साउंड कार्ड है, ठीक है, मेरे पास एक साउंड कार्ड और है, आप देखेंगे ये रखा हुआ है सामने। ठीक है, तो ये साउंड कार्ड है लेकिन बाकी मैं डेमो के लिए छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक साउंड कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, बाकी साउंड कार्ड से और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए एक 5 पिन वाली इस तरह की मिडी केबल आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो एक हमारे साउंड कार्ड में लगेगी और एक हमारे कीबोर्ड में लगेगी। ठीक है, जिससे साउंड कार्ड और कीबोर्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमें Type-A to Type-B एक इस तरह की USB केबल की जरूरत पड़ेगी। ये केबल साउंड कार्ड को और कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी साउंड कार्ड ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही साउंड कार्ड लीजिए, जो भी साउंड कार्ड आपके पास है। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखें कि उसके पीछे इस तरह से 5 पिन वाला मिडी पोर्ट हो जिसमें आप इनपुट आउटपुट दे सकें। ठीक है, तो आपको इसके इनपुट पोर्ट में लीड लगानी है और कीबोर्ड के आउटपुट पोर्ट में। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जैसे कि आउटपुट, यानी कि जो आपके जो स्पीकर में आवाज़ आएगी वो इन पोर्ट से आएगी। पहले आप जैसे कीबोर्ड बजाते थे, नॉर्मली आप बजाते हैं तो जो कीबोर्ड ऑप्शन होता है LR का, आप उसमें साउंड की लीड लगाते हैं फिर साउंड में आउटपुट जाता है। लेकिन अगर आप मिडी कीबोर्ड बजाएंगे तो आउटपुट वहाँ से नहीं जाएगी, वहाँ लीड लगाने की जरूरत नहीं है। वो लीड आपको यहाँ लगानी है साउंड कार्ड के अंदर, जो इसका आउट का ऑप्शन होता है, या फिर हेडफोन में लगा सकते हैं आप अगर आपकी मर्जी है, और या यहाँ भी लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे, दोनों जगह आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारा प्रोसेस आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी एक DAW की, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन की, या फिर कोई ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर VST साउंड्स हों, अच्छे अच्छे साउंड्स हों, वो आपको खुद अरेंज करने पड़ेंगे। बाकी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कुछ फ्री VST आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कि फैंटम X6 को एज ए मिडी कीबोर्ड हम कैसे यूज़ करेंगे हम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, जल्दबाजी में स्किप करके ना देखें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप यही कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, फिर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो वीडियो को जल्दबाजी ना करें, वीडियो हो सकता है 2-3 मिनट लंबी बन जाए, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबी बनती इसीलिए कि मैं जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो भी लेके चलता हूँ कि आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, एंड तक देखें, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपने फैंटम कीबोर्ड को एज ए मिडी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने साउंड कार्ड में देखना है, इस तरह से ऑप्शन होगा इन का। ठीक है, आउट वाले में नहीं लगाना, आपको इन वाले में लगाना है, और ये जो मिडी कीबोर्ड होगी इस तरह से 5 पिन की, ठीक है, इसको हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, मैं अभी इसको इसमें लगा देता हूँ। अभी इस तरह से हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो दोस्तों दूसरा पोर्ट है इसको लगाना है अपने कीबोर्ड के हमें आउट में, यानी कीबोर्ड से आउट, यानी कीबोर्ड से आउट सिग्नल आएंगे और साउंड कार्ड के इन में जाएंगे, यानी कीबोर्ड से होके जाएंगे हमारे साउंड कार्ड में, फिर साउंड कार्ड के थ्रू जाएंगे हमारे कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें लगाना है कीबोर्ड के आउट में और दूसरा लगाना है साउंड कार्ड के इन में। ठीक है, मैं अभी कीबोर्ड के आउट में लगा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लगा के। अब दोस्तों जो दूसरी लीड है वो मैं मिडी आउट में लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आउट यानी यहाँ से आएंगे सिग्नल और वो सिग्नल जाएंगे हमारे साउंड कार्ड में। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ लगा दिया, एक मैंने साउंड कार्ड में लगा दिया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या करना है। अब दोस्तों साउंड कार्ड में जो ये USB पोर्ट है यहाँ पे हमें Type-A लगानी है अपनी USB, इस तरह से ये मैंने लगा दी। ठीक है, और ये दूसरा पोर्ट है ये लगाना है हमें अपने कंप्यूटर में। ठीक है, मैं इसको भी कंप्यूटर में लगा देता हूँ। अब दोस्तों जो Type-B है उसको हम लगा देंगे अपने इस तरह से कंप्यूटर में। ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ पे हमारा आधा काम हुआ है, पूरा काम अभी 2-3 स्टेप और हैं, वो आप देखिए ध्यान से। दोस्तों आप जैसे ही साउंड कार्ड को और कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह से दिखा रहा है USB पावर इसके अंदर आ चुकी है, यानी कि ये साउंड कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है,
तुम्हारा मैंने आपको बताया आधा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है साउंड के लिए, यानी कि इसका आउटपुट देने के लिए यहाँ पे लीड लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लीड लगा रहा हूँ इस तरह से कि इसकी आवाज बाहर जाएगी। आप चाहें तो पीछे भी लगा सकते हैं, मर्जी। मैं भी सिंगल लीड यूज कर रहा हूँ, अगर डबल करूंगा लेफ्ट राइट तो मैं पीछे लगाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लीड लगानी है। और दूसरा जो आपको लगाना है वो लगाना है आपको जो भी आपका डिवाइस है जहाँ पे आप साउंड बजाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास मान लीजिए स्पीकर है, मैं इसमें लगा रहा हूँ एक। ठीक, यानी साउंड कार्ड के थ्रू आवाज इसमें आएगी। अब कीबोर्ड का रोल खत्म हो गया, जब कीबोर्ड में लगाते थे ना आउट में एलआर में, उसमें नहीं लगाना, एक साउंड कार्ड में और दूसरा अपने जो भी डिवाइस है आपके उसमें। ठीक है, हमने इतना कनेक्शन कर लिए, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अपने कीबोर्ड का स्विच ऑन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। ठीक है, आप जो भी डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन यूज करते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं क्यूबेस यूज करता हूँ, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ऐसे क्यूबेस ओपन हो रहा है। इसके अंदर मैंने काफी प्लगइन डाले हुए हैं अपने, तो फ्री प्लगइन भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप फ्री यूज करते हैं पेड यूज करते हैं, है ना, वो डिपेंड करेगा। अभी इसमें एक न्यू पेज बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दिया। इसके अंदर आपको ना मिडी चैनल लेना है। ठीक है, ऐसे एड इंस्ट्रूमेंट रैक। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐड कर दिया गिटार। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। और बाकी डिवाइस में जाके मैं अपने साउंड कार्ड की सेटिंग कर लेता हूँ। ये मेरा साउंड कार्ड है। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो दोस्तों अभी मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग यहाँ पे सेट कर लिए पांच, आप चाहें जितने बजे सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो भी आप यूज करते हैं अल्ट्रा लाइव लॉजिक प्रो जो भी है आपका, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा यूज करते हैं। मैंने पांच यूज कर लिए। अब इनका हम एक डेमो देख लेते हैं फैंडम से बजा के। ठीक है, अब दोस्तों अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो साउंड है वो कंप्यूटर से यूज हो रहे हैं, जो इसका जो वॉल्यूम है कीबोर्ड का ये काम अब नहीं करेगा। अब जो काम करेगा सीधा करेगा वो आपका साउंड कार्ड का। ठीक है, यानी आपके जो अगर आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो वो साउंड कार्ड से करना है। ठीक है, तो मैं अपने एक साउंड चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं शुरुआत देख रहा हूँ गिटार का साउंड जो यहाँ पे इस तरह से। ये एक पियानो का साउंड जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। वायलिन का, ठीक है, मैं बजा के दिखाता हूँ थोड़ा ये एक सैक्सोफोन है, सैक्सोफोन का साउंड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सैक्सोफोन का साउंड हो गया। और अब हम क्या ट्राई करेंगे, एक साउंड थोड़ा सा हारमोनियम का भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने सेट कर रखे हैं ऑलरेडी। अब आप ये मत करने लग जाना कि हारमोनियम का साउंड खराब है, उसका साउंड अच्छा है, क्योंकि इसमें ये भी मैं प्रीसेट बजा रहा हूँ। जब आप इनको एडिट करेंगे तो एडिट करके लाजवाब साउंड आएंगे। ठीक है, और साउंड ऐसा नहीं कि इसमें ये साउंड है, इसमें दुनिया भर के साउंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ये संतूर है, देखो संतूर का साउंड सुनो आप यहाँ पे कैसा आ रहा है।
अभी हम ट्राई करने वाले हैं एक सितार का साउंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ साउंड है जो आप मिडी कीबोर्ड के मैंने आपको डेमो दिया। बाकी आप कोई भी साउंड कहीं से भी खरीद सकते हैं, फ्री वाले भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से आप फैंटम कीबोर्ड को अपने स्टूडियो में या फिर लाइव में जहां भी आपको अच्छे लगे आप एज ए मिडी कीबोर्ड कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी क्वेश्चन है, कमेंट में मेंशन करें। पूरी कोशिश करूंगा कि उन क्वेरी पे, उन क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।